हेलो so so है कि ऐसे कौन सा पॉइंट है जिसमें फ्यूनिकल ओव्यूल को टच करता है और उसका पर्टिकुलर टर्म का नेम बताना है नाउ लेट्स ऑप्शन हमें दिए गए ऑप्शन ए जो है चलाजा ऑप्शन बी जो है वो क्या है हाइलम ऑप्शन सी इज द रेफे एंड लास्ट ऑप्शन इज द एंडोथिलियम नाउ लेट्स

लेयरिंग्स प्रेजेंट होती है दिस इज़ दी एंट्यूगमेंट्स, एंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगी, देन अदर देन दिस क्या प्रेजेंट होता है हमारा न्यूसेल्स, दिस इज़ अवर न्यूसेल्स, दिस इज़ अवर न्यूसेल्स एंड द लास्ट पार्ट है, वो क्या है हमारा So, अगर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो दिस इज एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो के ऊपर क्या होती है देन न्यूसेलस और न्यूसेलस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है एक इसके बेसिकली दो एंड होते हैं एज वी नो चलाजल एंड एंड माइक्रोपिलर एंड ये हो गए इसके दो एंड्स एंड अदर देन दिस अब ये जो एम्ब्रियो है Ovule है इसको अटैच करने के लिए फ्यूनिकल यूज होती है सो so, ये है हमारी फ्यूनिकल दिस इज अवर फ्यूनिकल अब फ्यूनिकल जो है अटैच होती है एक पॉइंट पर इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम दिस इज अवर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को ही क्या कहेंगे हम हाइलम इफ वी टॉक अबाउट दी हाइलम हाइलम बेसिकली होता क्या है इट इज लाइक दम्बलिकल कॉर्ड जैसे ह्यूमन बींग्स में अम्बलिकल कॉर्ड होती है और उससे देन फीटस अटैच होता है इसी तरीके से हाइलम से जो है ओव्यूल अटैच होता है एंड अदर देन दिस इफ वी टॉक अबाउट फ्यूनिकल सो so, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें चलाजा अगर हम चलाजा की बात करते हैं तो चलाजा बेसिकली क्या होता है दो एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं एक चलाजल एंड हमें पता है दो एंड्स पाए जाते हैं में, चलाजल एंड एंड माइक्रोपेलर एंड ये दो एंड होते हैं सो so, जैसे यहां पर है हमारा चलाजल एंड और इस साइड क्या है हमारा माइक्रोपेलर एंड देन माइक्रोपिलर एंड से किसकी एंट्री होती है हमारी पोलन ट्यूब की एंड देन फर्दर प्रोसेस होता है डबल फर्टिलाइजेशन का सो so, ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये कैसे हो गया हमारा रॉन्ग बिकॉज ये क्या है एक एक्ट एज एंट्री रोडवे की तरह काम कर रहा है हमारा चलाजल एंड वी कैन से बट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है हमारा हाइलम नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी हाइलम हाइलम इज द करेक्ट ऑप्शन अगर हम रेफे की बात करते हैं सो so रेफी क्या है बेसिकली ये क्या शो करता है फ्यूजन ऑफ फ्यूनिकुलस विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल बॉडी ऑफ ओव्यूल जहां पे बॉडी फ्यूज हो रही है ओव्यूल से फ्यूनिकल के साथ उसको फ्यूजन को क्या कहेंगे हम रेफे सो so ये भी ऑप्शन कैसे हो गया हमारा रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग नाउ लास्ट वन इज द एंडोथिसियम अब एंडोथीशियम क्या है उट देशियम सो ये क्या है स्पेशल टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोसेक के कहाब्रियोसेक like और ये एम्ब्रियोसेक के अराउंड में स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं अब उन स्पेशल टिश्यू को क्या कहते हैं हम एंडोथीशियम नाउ द टिश्यू आर कॉल द Endothelium, sorry, now helium. So जो हमारे चलाजा ऑप्शन है ये कैसा हो गया हमारा wrong because ये क्या है एक entry provide कर raha hai helium is the correct answer. रेफे अब हमने रेफे का देखा है रेफे क्या है फ्यूजन जहाँ पे हो रहा है फ्यूनिकल का विद द बॉडी ऑफ यूल उसको हम क्या कहेंगे रैफे और लास्ट वन क्या हमारा endothelium. सो so, ये भी रॉन्ग है बिकॉज endothelium क्या है एक टिश्यू है एंडोथेलियम क्या है? एक टिश्यू है जो कि स्पेशल टिश्यू है एम्ब्रियो के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं और उसको क्या न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सो ऑप्शन ए जो है ये भी रॉन्ग ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस इज द करेक्ट वन सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक